यूपी कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के केशव नगर इलाके में देर शाम एक पॉलिटेक्निक छात्रा की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना के समय छात्रा घर में अकेली थी। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में छात्रा को अस्पताल भेजा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर इसी मकान में अंदर लगभग 4:15 बजे एक कुरियर वाला आया। उसके माध्यम से जब यहाँ पे अंदर से नहीं खुला, तब ये चीज सामने आई कि वहाँ पर अंदर डेड बॉडी मिली है। और उसको जब बल्कि अस्पताल भेजा गया तो वहाँ पे ब्रॉड डेड हो गई। शेष घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी उनकी माँ से मेरी बात नहीं हो पाई है। जो चाकू था जिससे घटना किया जाना प्रतीत होता है, वो रिकवर हो गया है। पैर बंधे हुए थे, हाथ में जो उसके कट के निशान थे और एक गले पर। ये घटना है, शेष इसके बारे में जांच की जा रही है। वो अलमारी खुली हुई है और उसके जो भी सामान वगैरह, उसमें सामान, डायरी और तमाम चीज़ें बेड में बिखरी हुई हैं। तो ये घटनाक्रम है। अभी उनकी माँ से बात कर लें, उनकी माँ अस्पताल में है। उसके बाद जैसा वो बताएंगे, जैसा वो इसमें बात करती हैं, तो उसमें प्रथम दृष्टया मर्डर तो लग ही रहा है, बाकी उसके आगे क्या है ये चीज़ जांच और उसके बाद मालूम।